मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अंतर्गत नगर पंचायत अगवानपुर में मोहल्ला ततारपुर जामा मस्जिद पर शहादत नामे का आयोजन किया गया, जो कि मुहर्रम की 1 तारीख से लगातार 9 तारीख तक शहादत नामे का प्रोग्राम चला, जिसमें अगवानपुर जामा मस्जिद के पेश इमाम मुफ्ती फरीद रजा ने हजरत इमाम हुसैन की शहादत के वाक्य से क्षेत्रीय जनता को रूबरू कराया। उन्होंने बताया कि यजीद एक जालिम इंसान था जो नबी के दीन से दुश्मनी रखता था और इस्लाम को मिटाने की पूरी कोशिश में लगा था, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन और उनके ख़ानदान का कहना था कि हम कुर्बान हो सकते हैं, लेकिन नाना के दीन पर आँच नहीं आने देंगे। ऐसा ही हुआ, जो कि जालिम यजीद की फ़ौज ने हज़रत हुसैन और उनके पूरे ख़ानदान पर जुल्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और यजीद के लश्कर ने हज़रत इमाम हुसैन और उनके पूरे ख़ानदान को करबला में शहीद कर दिया। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सारी कायनात का मालिक बनाकर दुनिया में भेजा था और सारी कायनात की जिम्मेदारी सौंपी थी। अगर नबी चाहते तो एक बार दुआ करते, यजीद और उसकी पूरी फौज गर्क हो जाती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि नबी चाहते थे कि रीन प्यार से फैले, तलवार से नहीं। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला वसल्लम अपने अखलाक से दीन फैलाते थे। जालिम यजीद को बुरा लगता था और इस्लाम को मिटाना चाहता था, उसी का पैर रखते हुए यजीद नबी ने करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से दुश्मनी रखता था। हज़रत इमाम हुसैन को ये मालूम था कि हमें शहीद होना है, अगर उनके ख़ानदान का कोई बच्चा भी खुदा से दुआ कर देता तो यजीद और उसका पूरा काफिला ख़त्म हो जाता, लेकिन नाना से किया वादा निभाने के लिए हज़रत इमाम हुसैन ने अपने आप को और अपने ख़ानदान को करबला में कुर्बान कर दिया, लेकिन नाना के दीन को बचा लिया। अगर हज़रत इमाम हुसैन यजीद और उसकी फ़ौज से मुकाबला नहीं करते तो खुद को बचा लेते, इसलिए इस्लाम मिट जाता, लेकिन उन्होंने ऐसा ना करते हुए नाना से किया हुआ वादा पूरा किया और ख़ुद को और अपने पूरे ख़ानदान को करबला के मैदान में कुर्बान करा लिया, लेकिन नाना के दीन को बचा लिया। से लेकर के 10 मुहर्रम तक यानी 9 मुहर्रम तक ये प्रोग्राम चलता है और इसमें ख़ास तौर से बताने की यही कोशिश की जाती है कि ताकि हमारी आवाम को और हमारे मुस्लिम भाइयों को भी और नॉन मुस्लिम को भी ये पता चले कि वो एक हक और बातिल की लड़ाई थी इमाम हुसैन और यजीद के दरमियान जो हुई थी। ख़ास तौर से ये भी हुआ था कि इमाम हुसैन जंग करना भी नहीं चाहते थे, लेकिन ये जंग का मामला इस तरह से बना तो यजीद वो नाहक था, एक जालिम जो है हाकिम बन बैठा था, इसलिए इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला ने जो है ये फ़ैसला कर लिया कि भाई हक को नीचे नहीं होने देना है, अगरचे अपना घर या अपने बच्चे या अपने भतीजे भांजे यानी सब कुछ भी देना पड़े, लेकिन जो दीन का मामला है उसमें सर नीचे नहीं झुकाना। तो यह हक और बातिल के दरमियान एक जंग थी यजीद और इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला के दरमियान, और इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला ने अपने पूरे घराने को भी समझो खो करके और फिर भी कुछ नहीं खोया।
तो ये एक हक और बातिल के दरमियान जंग है, और इसमें एक पैगाम भी है। ख़ास तौर से यजीदी लश्कर को ऐसा लगता था कि जो 22,000 का लश्कर है और इधर सिर्फ 72 लोग हैं, तो बज़ाहिर वो तादाद में बहुत ज़्यादा और बज़ाहिर उन्होंने जंग भी जीत ली, लेकिन उसके बावजूद भी ये उन्होंने पैगाम दिया कि कभी कभी जंगें जीत करके भी लोग हार जाते हैं। जब आपके बेटे हज़रत अली अकबर रदी अल्लाह तआला की शहादत हुई है, आखिरी वक्त जब आपका था, तो आपके चेहरे पे कोई निशान भी किसी तरह का नहीं था, कोई ज़ख्म का, और जो है आपकी आंखों से आंसू निकलने लगे। तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने उनसे पूछा था कि बेटे, मैंने अब तक भतीजों को देखा, भांजों को देखा और दिगर असहाब इकराम को देखा, लेकिन किसी को रोते हुए नहीं देखा, लेकिन आपकी आंखों से आंसू कैसे निकले? तो उन्होंने कहा कि मैंने देखा है कि तमाम लोग हमारे चले गए और मैं एक बूढ़े बाप को जो है तन्हा देख रहा हूँ आज मैदान में, इस वजह से मुझे रोना आया, और सारे हमारे लोग जो है शहीद।